फ्रेंड्स, तो आज है मेरा अयोध्या का दूसरा दिन। तो कल जैसा कि मैंने रामलीला और हनुमानगढ़ी के दर्शन किए थे, और अब मैं जा रही हूँ सरयू नदी के दर्शन करने और कुछ नौका विहार करने, अगर मेरे लिए पॉसिबल हो पाया तो। ये है अयोध्या की कार पार्किंग, इसी के पास ही सरयू नदी है। तो बस अब हम चल दिए हैं, और इतनी तेज़ हवा चल रही थी और गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी। तो मैं तो आपसे यही बोलूँगी, थोड़ा गर्मियों में अवॉइड करें आप अयोध्या का जो भी प्रोग्राम है। बाकी अगर रामलीला बुलाएंगे तो आपको जाना ही जाना है। तो देखिए, बस ये हवा इतनी तेज़ चल रही थी, इतनी तेज़ कि, और धूल इतनी उड़ रही थी कि पूरी आंखों में आ रही थी। हाँ, लेकिन अयोध्या का तो एक अलग अपना ही मज़ा है। बस हम लोग निकल पड़े हैं अयोध्या के सरयू नदी के दर्शन करने। तो चलिए आपको भी सरयू नदी के दर्शन कराते हैं। जब भी आइए तो बोलते हैं सरयू नदी में स्नान करना बहुत महत्व होता है इसका, सरयू नदी का। तो बट मैं स्नान नहीं कर पाई थी, और इसकी भी अपनी एक कहानी है सरयू नदी की, कि इनका इसी में तो आपको पता है, जैसे कि रामलला इसी में गए थे, जितने भी भगवान हैं अयोध्या के सब इसी में गए थे। बस इनका यही है कि ये इसमें इसका जल घर नहीं लाते हैं, और बस इसका जाके आप वहाँ पूजन कर सकते हो, उसमें स्नान कर सकते हो। बोलते हैं जो इसमें स्नान करता है वो सीधे श्री राम के चरणों में जाता है। तो बस हमने भी स्नान तो नहीं कर पाए, लेकिन हाँ हमने पूजन किया, और बस यहाँ पे हमने रील बनाई, हमने बहुत इन्जॉय किया। बस अब हम थोड़ा सा सोच रहे थे कि अगर नौका विहार हमारी हो जाती, बोटिंग हो जाती, तो और मज़ा आ जाता। तो बस अब हम जा रहे हैं बात करने, अगर हो गया तो वेल एंड गुड, नहीं तो कोई बात नहीं। तो बस ये देखिए हम इंजॉय कर रहे हैं, रील बना रहे हैं। मैंने अपने हस्बैंड के साथ बोला था कि आप चलो, मैंने फिर अपने ड्राइवर से बोला कि वो मेरी रील बना दे। ये है नौका विहार। तो नौका विहार का सीन ऐसा है कि पर पर्सन ये 100 रुपीज़ लेते हैं, लेकिन क्या सीन था कि यहाँ पे इनके पास मेंबर नहीं थे, इनकी लाइन से लगी रहती है बोट, जब तक पूरी बोट फुल नहीं होती है तब तक ये बोट अपने निकालते नहीं है। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कोई नहीं, हम पूरी बोट हायर कर लेते हैं, आप पूरी बोट हमें दे दो। तो पूरी बोट का चार्जेस है 900 रुपीज़, बट एक और कपल आ गए थे तो उन्होंने बोला कोई नहीं हाफ ऑफ कर लेंगे, मैं भी कर लूँगा। तो बस इसी बहाने हम निकल पड़े। तो जब भी आए तो नौका विहार जरूर करें, क्योंकि ये दर्शन जो होता है ये अद्भुत दर्शन होता है। इसी बहाने आप उस नदी में थोड़ा घूम लेते हैं, इंजॉय कर लेते हैं। तो बस वही चीज़ हम भी कर रहे थे, हमने भी बहुत इंजॉय किया इसमें, क्योंकि नौका विहार का एक अपना अलग आनंद है। लेकिन इतना ज़रूर बोलूँगी कि अयोध्या जब भी आप आएँ तो कोशिश करें कि अक्टूबर सितंबर के मौसम में आएँ, अभी बिल्कुल भी मत जाएँ, क्योंकि बहुत गर्मी है, एक्सट्रीम गर्मी हो रखी है और बहुत बुरा हाल हो रखा है। और बच्चों को कोशिश करें कि अगर आप यहाँ लेके आ रहे हैं तो पूरे इंतजाम के साथ आएँ, क्योंकि गर्मी में क्या होता है ना, इतनी प्रॉब्लम हो जाती है बच्चों के साथ। मेरा बेटा तो बाहर निकला ही नहीं गर्मी की वजह से, वो बोला मम्मी मैं नहीं जाऊंगा, आप जाओ। तो बस मैं अपने हस्बैंड के साथ आई हुई थी कि चलो कोई नहीं, हम दोनों ही थोड़ा एंजॉय करके आते हैं। तो बस हम ही दोनों निकल पड़े थे अयोध्या के ये दर्शन करने, मतलब पूरा एक बोलते हैं ना कि आप घूमने निकल रहे हो और थोड़ा एंजॉय हो जाएगा। तो बस वहाँ से हमने वो किया नौका विहार किया। अब हम चल दिए हनुमानगढ़ी, क्योंकि एक दिन पहले क्या था, हनुमानगढ़ी के हमें तक ऑटो नहीं जा रही थी, अब दूसरे दिन फिर ऑटो चलने की, तो हमें बड़ा अच्छा लगा। तो बस हम ऑटो से निकल पड़े, तब तक ही ऑटो ने हमें हनुमानगढ़ी तक। आप कभी भी, एक चीज़ और भी मैं आपको बताऊँ, कभी भी फेस्टिवल पर ना जाएँ, क्योंकि अगर आप फेस्टिवल पर जाओगे तो गाड़ियाँ सब बंद कर दी जाती हैं 5 किलोमीटर, मतलब मेरी हालत बुरी हो गई थी, मेरे हस्बैंड की हालत बुरी हो गई थी वहाँ तक जाने में, 5 किलोमीटर जाना और 5 किलोमीटर आना, ना गाड़ी ना रिक्शा कुछ भी नहीं था, तो बहुत दिक्कत हुई थी। हाँ, यहाँ सामान के बहुत चीज़ें हैं, आप कोई भी सामान ले सकते हैं, वही पूजा उजा का सामान है, मान लो दिया विया आपको जो भी लेना है, यहीं पर हनुमानगढ़ी था। बस प्रॉब्लम हुई थी जब हम हनुमानगढ़ी दर्शन करने गए दोबारा, तो इतनी भीड़ थी कि हमारी हिम्मत नहीं हुई गर्मी के कारण, फिर हमने यहाँ भैया दर्शन नहीं किए। यहाँ से हमने प्रसाद लिया, और थोड़ा बहुत हमने बस देने के लिए जो प्रसाद होता है वो हमने यहाँ से पूरा लिया। आप रामलला की फ़ोटो ले सकते हो, और वो अपना आप गिफ्ट के रूप में किसी को दे सकते हो। बहुत से सामान यहाँ पे मिल रहे थे, और पूजा पाठ का ही सामान ज़्यादातर मिल रहा था, तो वो आप कर सकते हो, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा थी तो हम उतना ज़्यादा कर नहीं पा रहे थे, धूप इतनी तेज़ स्ट्रांग धूप थी, तो हमने फिर दर्शन नहीं किए। फिर हम सीधा वापसी, हमने सोचा भैया हम वापसी रूम में चलते हैं, क्योंकि अब हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। तो हमने दोबारा ऑटो किया, थोड़ा बहुत सामान लिया, दोबारा ऑटो करके बस अब हम अपने रूम पर जा रहे थे। तो ये थोड़ा सा हम शाम को निकले थे, क्योंकि ये जो रोड है ना, यहाँ की लाइटिंग, ये देखिए कितनी सुंदर लाइटिंग हो रखी है, तो ये पूरा इन्होंने प्रॉपर बनाया हुआ है और बहुत ही सुंदर, यहाँ का रात का नज़ारा बहुत अच्छा है। अगर आप जब भी अयोध्या जाए तो कोशिश करें रात में ज़रूर जाएं। तो बस ये दूसरे दिन अब हम निकल पड़े, क्योंकि हमारी फ़्लाइट थी, और फ़्लाइट आती है लखनऊ, और लखनऊ समय आना पड़ता है अयोध्या। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक शेयर ज़रूर।